संपादकीय 70 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश के उत्तर और पश्चिम भाग में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा है। यह सतर्क और तैयार रहने का समय है। जगह जगह कोहरे की वजह से भी यातायात पर असर पड़ा है, जिससे आने वाले दिनों में बाजार पर असर पड़ने की आशंका है। पहाड़ों में बर्फ का आलम है, तो कल राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां कोहरे की वजह से 50 मीटर दूर की सभी चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी ठंड से बुरा हाल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गंगा नगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि आगामी 3-4 दिनों तक ऐसी ही सर्दी रहेगी। मौसम शुष्क है और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर जारी है, जिससे देश के मैदानी इलाकों में पारा अभी चलने का नाम नहीं लेगा। पहाड़ों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। नेक्स्ट पैरा। श्रीनगर में भी सर्दी से बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पिछले 30 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को श्रीनगर में तापमान 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। 1995 में श्रीनगर में 0 से 8.3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया था और 1991 में तापमान 0 से 11.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा था। कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील का जमना शुरू हो चुका है। जिस झील में नावें चलती हैं उसका पानी ठहरने लगा है। जमी हुई झील को देखने लोग निकलने लगे हैं, लेकिन यहाँ चहलकदमी खतरनाक हो सकती है। आमतौर पर पानी की ऊपरी सतह ही पहले जमती है, जबकि नीचे पानी अपने तरल रूप में ही रहता है। हाँ, तापमान अगर निरंतर 0 से नीचे बना रहे तो जल स्रोत पूरी तरह से जमने लगते हैं। डल झील का जमना संकेत हो सकता है कि इस बार सर्दी कुछ ज़्यादा दिनों तक रहेगी। नेक्स्ट पैरा। उत्तर भारत के राज्यों में सावधान रहना जरूरी है। टीकाकरण के लिए यह मौसम भले ही मुफीद लग रहा हो, लेकिन खुद को ठंड के प्रकोप से बचाना भी जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और जिनको सांस की समस्या है, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अस्पतालों में विशेष रूप से नज़र रखने की ज़रूरत है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है।
ऐसे मौसम में स्कूल या कॉलेज खोलने की योजना पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। ऐसे में स्कूल खोलना भारी पड़ सकता है।